अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? रमजान मुबारक। तो मेरे बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे कौन है, मेरी पप्पू है, ये इस्लामाबाद में होती है, इनका एक यूट्यूब चैनल है और कहीं ना कहीं कुकिंग कर रही है। अभी बैकग्राउंड में सिर्फ वीडियो है, तो हम इनकी वीडियो भी देखेंगे यूट्यूब चैनल की और यूट्यूब चैनल को भी देखेंगे। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं पता है कुकिंग चैनल कैसे स्टार्ट करते हैं कैसे नहीं करते हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं कुकिंग के हवाले से अपने चैनल्स को यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर बनकर अपनी चीजें चला रहे होते हैं। तो हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं यूट्यूब चैनल में कि हम क्या बनाने वाले हैं और इस चैनल पे क्या बनने वाला है। सर्च फॉर रिव्यू, तो चैनल का नाम है इजी कुकिंग विद मुनीरा। और अबाउट में देखें तो हम बहुत सारे व्यूज, तकरीबन 5,000 व्यूज हो चुके हैं। इट्स गुड एफर्ट्स। प्लेलिस्ट दो बन चुकी है जिसमें माय देसी रेसिपीज है और इसके हवाले से ये सारी चीजें हम देखेंगे। ओके, हम आगे बढ़े तो फिर इसमें हम देखते हैं दही बल्ले की रेसिपी। ओके, दही बड़े की रेसिपी को हम देखते हैं यूट्यूब चैनल जैसे लोड होता है और हम इसको देख रहे हैं फुल स्क्रीन में। ओके, तो दही बड़े के हवाले से आपको तो पता होगा कि दही बड़े कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, काफी लोगों को नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं कुकिंग चैनल में हम बहुत सी चीजें देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, तो चीजें हो रही होती है। ओके, तो ये स्टार्ट होती है वीडियो। इंटरेस्टिंग है, किस तरह बनेगी वीडियोस, अक्सर बनती है, हम इसको थोड़ा और देख लेते हैं और मजीद वीडियो आप देखेंगे एंड में कंप्लीट। तो मैं इसको एंड करता हूँ वीडियो को, मजीद आप देखेंगे, बाकी कमेंट में डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप देखेंगे कैसे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। वाओ, अमीन। अभी सब ये रॉ मटेरियल आप डाल रहे हैं, ग्रीन सॉल्ट दाल इन टू पॉट्स ग्राइंड कर रहे हैं, इसमें ब्लेंडर की आवाज ही आ रही है। इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक जो रमजान थीम डाल रही है वो डाल रही है। Add some water. पानी डालेंगे इसके फिर बाकी इसको और अच्छे से करेंगे। बच्चे अपने घर में इसको बिल्कुल ट्राई ना करें। नहीं, ऑफ कोर्स बच्चे भी शौकीन होते हैं आजकल कुकिंग के, वो भी ट्राई करेंगे। काफी वीडियो वगैरह से समथिंग पेज बन गया इसका, दही बल्ले। कच्चा कच्चा है, इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। वाह वाह, ना आसान होता है लेकिन हमें असल में हर चीज हम बना सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं होती है। तो नॉलेज कहाँ से मिलेगी? यूट्यूब चैनल से। तो यूट्यूब चैनल खुद के देखें, जिसको जिसकी रेसिपी पसंद आ रही है उसकी रेसिपी देखें, ट्राई करें, तो तरीका अच्छा है, मीन्स एक इंस्पिरेशन होती है। वाह, गुड गुड, वंडरफुल। तो ये इंस्पिरेशन वीडियो है कुकिंग नहीं करने वाले की, जो अब तक
डरते हैं किसी में नहीं जाते हैं और कहीं टीम एक्चुअली भाई बल्ले भी बनते हैं ओके, वरना ये मार्केट में लेने पड़ते हैं ना, ये तो ये अलग से लेने पड़ते हैं, फिर ये लोग जो उसके साथ दही बड़े अलग से मिलते हैं, तो ये खुद ही घर में बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। दस, क्या बात है, तो इस तरह बन जाते हैं घर पे भी, तो ये होती है नॉलेज इज पावर। मुंह में पानी आ रहा हूँ, जैसे दही बड़े का सिर्फ भी जो दही की फुल्कियां होती है उसकी वो देखिए उसकी फुल्कियां बल्ले बल्ले 36 जो भी है ना उसके साथ आप मिलाओगे नमक हसबे जायका नहीं इसमें एक चम्मच है ओके डालते हैं पानी में मछली को नमक डालते हैं रमजान की थीम म्यूजिक बहुत अच्छी ठंडा करें फिशिंग गेम वैसे लेकिन कुकिंग भी एक गेम की तरह ही है अच्छा चैलेंज इसको फ्रीज भी करते हैं फिर भी इसे बन रहे हैं वो छोटे वीडियो में वो पूरी की वीडियो है और ये दही पड़े तो वो भी देखिएगा ये भी देखिएगा और दही आ गया है मैदान में आ गया दही की यानी जो किचन का जो फ्लोर है वो मैदान है योगर्ट 1 किलो हाँ 1 किलो दही ओके ये जो है फ्रिज से निकाल रही है इसको बाकी को फ्रिज में रखती है बाकी को ना रखती है बड़े बड़े मार्केट में छोटे छोटे मिलते हैं यार हाँ और वो भी इतने कम मिलते हैं उसके ऊपर बजटिंग की जाए कॉस्ट के हिसाब से घर में तो इतने सारे बन गए और इतने जमी बन गए पूरी ईमानदारी से बगैर किसी पसीने मतलब वो जो पसीना होता है हाथ में निकल रहा है उसमें पूरी सफाई से बन रहा होगा उसमें तो So easy cooking with Munira. yummy. सब spicy भी जा रहे हैं मसाले उसमें मसाले भी होते हैं अब ये कितने मिनट पे होगी 6 मिनट पे होगी इमली की चटनी दही भर ले इमली की चटनी भी होती है बाहर से वो ऐसे दही दे देते हैं और इसमें क्या होता है पापड़ी डाल देते हैं और बस एक चाट बिछा देते हैं इसको तो इमली की चटनी रमजान है रमजान Munira for taste. Remember this? This is called garnishing. Garnishing. Presentation party is very Ravi Raja. Cricket ke match hai na. Hum filhal iski review kar rahe hain. Red chili powder for taste. So, aap try kare na kare. Main zarur isko try karne wala hu apne agle Sunday ya is Sunday. Ya bas sham mein jaakar hi ghar jaakar hi. Depend karta hai. मैं भी आजकल कुकिंग की वीडियोस बना रहा हूँ शूट्स कर रहा हूँ फिर बना तो कोई और है अक्सर एक शूट्स के लिए मैं आया था कि मुझे ज़रा कैमरे में आने दो और हाथ हिलाने दो वहाँ पर गर्म करने के लिए बस वहाँ तक शौक है नहीं वैसे कुकिंग की है ऑफकोर्स तो ये हो गया फाइनली रेडी दही बल्ले वाटर प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन समथिंग यमी हाँ आपने सर हमको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें कुकिंग Easy cooking with Munira or the next other chutney, Bouchard. Yummy. Okay, zabardast. So, usko like kare, comment kare, share kare. Hum bhi karte hain comment.
और मजा आ गया, यानी बात है आई वो ट्राई दिस सीन। तो जी हमने पूरी वीडियो देख भी ली और रिव्यू भी कर दी। अगर यूट्यूब पर किसी का फर्ज होता है, हम किसी की हेल्प कर पाए तो आपको हम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है स्टे विद मी हैं, यूट्यूब चैनल का नाम बता रही थी, खदीजा सुजवानी, बिनल मलिक और ऑसम। तो मेरा भी चैनल है, मेरे चैनल को भी लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।